मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राज्य में कांग्रेस के विधायकों का संकट जिस तरह से विपक्ष को परेशान कर रहा है, वहीं सत्ताधारी दल की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ मजबूरियां हैं और क्या कुछ दिक्कतें हैं। सर, ये दिक्कतें क्या हैं जो विधायकों को आप लोग मना रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे? कौन नहीं मान रहा है, कौन मना रहा है, इसी को बता दीजिए। कौन नहीं मान रहा है और कौन मना रहा है? गए हैं वो लोग, जाते रहते हैं दिल्ली, इस बार भी गए हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। यहाँ से तो पूरा माहौल बना कर गए हैं कि हम नाराज हैं। बनवाया था वो, आप लोग अब धोखा खाए हुए हैं तो आप लोग भी उसी तरह बात कर रहे हैं। आपसे उन्होंने क्या कहा था कि नाराज हैं? नाराजगी तो नहीं कहा था, बोला कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने नेतृत्व से मिलने। आप लोग माइक लगाते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मैं भी देख रहा था। वो आप लोग लगाते रहे कुछ तो बोल के जाए, उन लोगों ने तो कुछ कहा नहीं है। तो वो दिल्ली आना जाना बना रहता है, सब लोग अपनी अपनी बात करते रहते हैं पार्टी में जा करके, तो अपने नेता से मिलने गए, मिल करके आए। बाबूलाल का कहना है कि मंत्री दोनों हाथों से लूट रहे हैं और विधायक टुकुर टुकुर देख रहे हैं और यही नाराजगी के कारण। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो लगता है पहले वो लूट रहे होंगे, उनके विधायक ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते होंगे। बाबूलाल जी जैसे मुख्यमंत्री पद पर व्यक्ति रहा हो तो उसको इतनी निचली हरकत नहीं करनी चाहिए। अरे आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके टाइम में टुकुर टुकुर देखते देखते सरकार आपकी गिरा दी थी, आप 14 वर्ष के लिए निकाल दिए गए थे, अब वापस आए हैं तो आपको समझ में आ रहा है। पहले अपना हश्र देखा है उन्होंने, कैसे हमारे विधायकों ने जो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन्होंने उनको गिराने का काम किया था। तो हो सकता है उस तरह की सोच रखते होंगे, जब आदमी जैसा होता है वो ऐसा सोचता है। विधायक क्या वापस में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं सदन बजट सत्र में वो भाग लेंगे? ये तो आप उनसे पूछिएगा, मैं तो जानता हूँ आ रहे हैं, बजट सत्र में भी भाग ले रहे हैं। आपने कहा था कि उसी दिन वापस लौट जाएंगे लेकिन नहीं आया। एक आध दो दिन दिल्ली गए हैं, आप लोगों को क्या परेशानी है? घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं, आ जाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि मंत्री चेंज किए जाए। किसने कहा है? कोई बयान दिया हो तो बताइए। अभी 3 दिन से कोई आपके पास बयान है? पहले तो पहले कहे तो फिर पहले तो ये भी कहे थे कि हम नहीं जाएंगे शपथग्रहण में, गए थे ना। तो इसलिए हम लोग का ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, थोड़ी बहुत इस तरह की बात चलती रहेगी। और जो भी जिंदा व्यक्ति होता है वो अपनी बात जिंदा दिली से करता है, और अगर कर रहा है तो उसको सुनना चाहिए। एक बात कहना है कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ उसमें कहा गया कि 400 सीट लाएंगे, झारखंड की सभी सीटें जीतेंगे, इसमें दावा लगता है कई सीटें ऐसी हैं जहां उनकी जीत? झारखंड में रहे हुए हैं, 75 पार का नारा आपने सुना हुआ है, प्रधानमंत्री जी भी बोलते थे 65 पार 75 पार, जिसको जो मन में आता है बोलता है, उसमें कोई उन लोगों को पाबंदी तो है नहीं। और आया कितना था, 25, उसमें कौन हार गया था? मुख्यमंत्री। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 400 पार बोल रहे हैं, 100 पे आएंगे प्रधानमंत्री हार जाएंगे। क्यों का गठबंधन हुआ आप लोगों का जेएमएम के? उनसे भी एक बार पूछ लीजिए पहले, उनका हो गया गठबंधन, हमारा तो सब हो गया, हम बता नहीं रहे, क्योंकि उनको भी बताने दीजिए। कभी उनसे भी सवाल लीजिए, आजसू से, जदयू से, भाजपा से, कि भाई आपका गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ। हमारे गठबंधन के लिए हम जानते हैं, सब लोग चिंतित रहते हैं, कांग्रेस का गठबंधन, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो उसका चौथा स्तंभ बचेगा। आप लोग अपने लिए चिंतित हैं और आपकी चिंता से हम भी चिंतित हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द गठबंधन का स्वरूप आपके सामने रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि चंपई सोरेन सरकार अस्थिर है, स्थिरता दिखाई दे रही है, बजट सत्र में ऐसा कुछ नहीं होगा? डेली अबुआ आवास बट रहा है, अभी भी मुख्यमंत्री जी गिरिडीह गए हैं, अभी भी अबुआ आवास का सब लोगों का वो मिलेगा, तो कहाँ स्थिर है? कल इटखोरी में थे ही मुख्यमंत्री जी, तो स्थिर सरकार, मजबूत सरकार चल रही है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जैसे राजेश ठाकुर जी बता रहे हैं कि नाराज विधायक बजट सत्र में भाग लेंगे और इसकी पूरी संभावना है कि वो एक दो दिन में दिल्ली से वापस चले आएँ। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।